पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले पहले श्री राम को ताले में बंद किया, बजरंग बली की बारी। बच्चों के बीच पहुंचे पीएम, तो किसी ने कहा डॉक्टर बनेंगे, तो किसी ने पुलिस, प्रधानमंत्री ने पूछा पीएम बनने का मन नहीं करता। तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएमके सरकार का दांव, मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि से कब्जा हटवाया। फारूख बोले G20 कश्मीर लद्दाख में, जम्मू में क्यों नहीं, भाजपा ने कहा घाटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके विकास में बाधा ना बने। तीसरी जीत की दूसरी वर्षगांठ पर ममता बोली लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज औरैया दौरा रहेगा, जहां औरैया के अजीत मल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जीत का मंत्र देंगे। बता दें डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर 11:15 पर अजीत मल के जनता इंटर कॉलेज में उतरेगा और 11:20 पर बाबरपुर अटसू रोड स्थित त्रिवेदी गेस्ट हाउस में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, जिससे उनका हेलीकॉप्टर इटावा के लिए प्रस्थान करेगा। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव में अपना परचम फहराने के लिए एक ओर जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश पर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। 10 महानगरों सहित कुल 37 जिलों में पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है। अब इसे लेकर राजधानी लखनऊ में वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस तरह 4 मई को राजधानी के सभी सरकारी व निजी संस्थान व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से इस संबंध में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार लखनऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर 4 मई को मतदान होना निर्धारित है, इसलिए जनपद लखनऊ में स्थित राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नियमांतरणाधीन समस्त कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यूपी में बड़े पैमाने पर जिला जजों के तबादले का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते यूपी में कई जिला जजों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि करीब 46 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजों के ट्रांसफर किए हैं। निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए फिरोजाबाद प्रशासन तैयार है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खाका तैयार कर लिया है। मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी मुस्तैद रहेंगे, वहीं कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर में चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए चुनाव ड्यूटी हेतु ब्रीफ किया गया। चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज 6 बजे के बाद कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो आदर्श आचार संहिता के हिसाब से अभी कोई प्रचार प्रसार नहीं होना है और सुरक्षा व्यवस्था की और जो पोलिंग स्टेशन सी सेंटर्स की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हम लोगों ने उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए कार्मिकों की रैंडमाइजेशन और इत्यादि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी ससमय पूरी कर ली गई हैं और जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनके निर्देशानुसार सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कप्तान साहब के द्वारा और हमारे द्वारा जॉइंट निरीक्षण कर लिया गया है, जो स्ट्रांग रूम्स हैं और जो पोलिंग सेंटर्स हैं उसके जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत और चुस्त दुरुस्त करने की गुंजाइश है। निकाय और नगर पंचायत वगैरह का चुनाव है, इसमें लगभग 5,000 पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी जो हैं वो हमारे ड्यूटी पर लगे हुए हैं
इसमें मोबाइल कंपोनेंट भी है जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए है और बूथ का भी कंपोनेंट है। मानक के अनुसार जो भी माननीय चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार मानक के अनुसार फोर्स को लगाया गया है, बूथ के ऊपर में भी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में भी जो मानक के अनुसार उसके हिसाब से लगाया गया। उसके अलावा एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी जो है क्लस्टर मोबाइल के रूप में, QRT के मोबाइल रूप में, ये सब जो है कंपोनेंट्स लगाए गए हैं सो दैट कि हम लगातार फास्ट रिस्पॉन्स हम दे सकें। कंट्रोल रूम 112 और सोशल मीडिया पर ट्विटर दोनों चीज़ों को एक्टिव किया गया है, कहीं पर भी किसी प्रकार की सूचना। हरदोई में DMSP ने पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को ब्रीफ किया। उन्होंने सभी जवानों को निष्पक्ष निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए, साथ ही शहर में पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। उन्होंने बताया कि जनपद को 20 जोन और 51 सेक्टर में बांटा गया है, जिस पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियंत्रण भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष अन्य हो यही प्राथमिकता है, इसी को लेकर नगर में पैदल गश्त कर मतदाताओं को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है। सामान्य निर्वाचन निर्धारित है, कुल 13 अर्बन लोकल बॉडीज हैं हरदोई में और इन 13 अर्बन लोकल बॉडीज में कुल 7 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतें हैं। कुल हमारे 532 पोलिंग स्टेशन हैं और करीब 4,26,000 मतदाता हैं। मतदान सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी PSP और SSP के जवान भी तैनात किए गए हैं। कुल 18 हमारे HS+ कैटेगरी के पोलिंग सेंटर्स भी चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन और पोलिंग सेंटर्स चिन्हित किए गए हैं। इन पर पर्याप्त संख्या में हमारी पुलिस फोर्स भी रहेगी। सेक्टर और जोन में पूरा जनपद विभाजित किया गया है, 50 सेक्टर। जनपद हरदोई में 4 मई को मतदान निर्धारित है। 13 नगर पालिका और नगर पंचायतों में कुल 532 मतदेय स्थल हैं, जिसमें 4,26,000 मतदाताओं द्वारा अपना मतदान किया जाएगा। पूरे जनपद में सभी मतदान केंद्रों को कुल 20 जोन और 50 सेक्टर में बांटा गया है। हमारे सभी जोन और सेक्टर्स में जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। वो उस दिन चक्रमण करते रहेंगे, लगातार उनका मूवमेंट बना रहेगा। इसके अलावा हमने तहसील मुख्यालय लेवल पर जो भी उनके नगर निकाय हैं वहाँ एक सीनियर ऑफिसर्स को भी लगाया है, CDO और ADM रैंक के अधिकारियों को। इसके अलावा वो भी चक्रमण करते रहेंगे हमारे और पुलिस। लखनऊ में मेयर प्रत्याशी के पति पर टिकट खरीदने का आरोप लगा है। मेयर प्रत्याशी के पति राजेश जायसवाल भाजपा में सक्रिय हैं। बता दें कि राजेश जायसवाल पर पैसे देकर टिकट खरीदने का आरोप लगा है। वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा में भी सक्रिय रहने की वजह से कांग्रेस नेत्री के पति पर आरोप लग रहे हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बाहरी नेताओं ने कांग्रेस का टिकट बेच दिया है और भारी रकम देकर महापौर प्रत्याशी ने टिकट खरीदा है। नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी से मिलने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि KL शर्मा रायबरेली ऊंचाहार विधानसभा पहुंचे, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शहनाज बानो ने अपने समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। वहीं शहनाज बानो ने बताया कि वह विकास और महिलाओं के अधिकार के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। इससे पूर्व यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी शहनाज बानो के सास स्वर्गीय मुस्तरी बेगम नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनको यहां की जनता आज भी याद करती है। उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आज भी क्षेत्र में होती है। कहीं ना कहीं ऊंचाहार की जनता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वर्गीय मुस्तरी बेगम के रूप में शहनाज बानो को देख रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।